ऐसी खबर नहीं, एकदम झकास खबर लाया हूँ। अरे सस्पेंस क्यों क्रिएट करा है, बताना क्या खबर है। अंजलि दीदी। अंजलि दीदी क्या? अंजलि दीदी शादी कर रही है। अंजलि की शादी होने वाली है, इसका मतलब है कि तू? हाँ मैं हॉस्टल जा रही हूँ और ये बात दीदी को भी मालूम है तो शीतल चुप चुप जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। दीदी कांग्रेचुलेशंस। अंजलि कमाल हो गया, ये सब अचानक? जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचानक ही मिलती है, ढेर सारी खुशियां अचानक, ढेर सारे गम अचानक। दीदी लड़का कौन है? दीदी वो क्या करता है? क्या वो इसी शहर में रहता है? दीदी आप मिली हो, आप जानती हो उसे? तुम लड़के से मिली नहीं हो, तुम उसे जानती नहीं हो और तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दी। तो क्या हुआ सूर्या, जान पहचान जरूरी नहीं है, नसीब में जो है वही मिलेगा। कम से कम शीतल के हॉस्टल जाने से पहले मैं उसे इतनी खुशी तो दे पाऊंगी। थैंक यू दीदी। दीदी आप कुछ परेशान लग रही हो, आर यू श्योर कि आप इस शादी से खुश हो? हाँ बाबा मैं खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। तुम क्यों खड़ी है? हाँ शादी में नाचने की प्रैक्टिस नहीं करेगी तू? जा चल 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 चल, हाँ चल शू। हे तुम दोनों भी चलो जाओ। अरे बहुत तैयारी कर, अरे जाओ ना। आप भी आते तो अच्छा होता विश्वनाथ जी। हाँ वो तो ठीक है, शादी तो लड़का लड़की ने करनी है पर इस बहाने मुलाकात भी हो जाती। खैर साहबजादे को जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है भाई साहब। ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने अंजलि की शादी तय कर दी? तुमने ठीक सुना, लड़का आज अंजलि को देखने के लिए आ रहा है। इतनी जल्दी अचानक सब कुछ, आपने पहले कभी अंजलि की शादी का जिक्र ही नहीं किया। अंजलि तैयार भी होगी शादी के लिए, लेकिन भाई साहब लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है? तुम जानती हो उसे, वो मेरे दोस्त विश्वनाथ शेखावत का लड़का है। भला लड़का है, घर का बिजनेस संभाल रहा है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? गायत्री जल्दी है, वक्त बहुत कम है। भाई साहब पहेलियां बुझा रहे हैं आप तो, वक्त कम है, इतनी जल्दी क्या हो सकती है भाई साहब? आप मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहीं ना भाई साहब क्या बात है? गायत्री शीतल को ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने उसे सिर्फ 2 महीने का वक्त दिया है। बैठो। सूर्य जी दादी अंजलि को बुला लाओ। ठीक बेटे, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं बिल्कुल नहीं। गायत्री ये मेरी छोटी बहन है गायत्री, अंजलि की बुआ। जी तेरा बैठो। अंजलि को बुलाओ। जी अंजलि जी वार। बैठो बेटे। जी जी वो काम है मुझे। अंजलि ये काम जो इस वक्त हो रहा है ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी काम है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। बैठो। बेटे वैसे तो ये बात मुझे तुम्हारे माता पिता से पूछनी चाहिए थी, अब तुम ही बता दो। अंजलि मुझे पसंद है बेगर साहब। इसी बात में मुंह मीठा करो।
चाय। सुना आप शादी कर रही हैं? जी। बधाई हो। थैंक यू। आप तो बहुत खुश होंगी। हाँ, काफी खुश हूँ। लेकिन आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा है। गलत फहमी है आपकी। शीतल की खुशी में मेरी खुशी है। और क्यों ना खुश हूँ मैं? आपके जज्बे की बहुत कदर करता हूं मैं। मैंने बहुत ऐसी कम लड़कियां देखी हैं जो अपनी बहन के लिए अपने अरमानों की, अपने खुशियों की कुर्बानी देना चाहती हूं। आप उनमें से एक हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मत दबाओ अपने जज्बातों को, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं ब्रिगेडियर साहब से बात करूंगा। आई ट्राई एंड कन्विंस हिम। इट विल बी द मिस्टेक ऑफ लाइफ टाइम। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अमित, तद्दू से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो समझेंगे कि आप अपने एहसानों की कीमत मांग रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी अंजलि उनके पीछे किसी से प्यार कर बैठी तो शायद उन्हें चोट पहुंचेगी। अमित, आप अपने फीलिंग्स को भूल जाइए, मुझे भूल जाइए, और जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए। प्लीज प्लीज। यस, मैं दीदी की शादी में चनिया चोली पहनूंगी। और मैं सूट पहनूंगा। ओके। और मैं क्या पहनूं? दीदी बैठो। एक मिनट दीदी, मुझे बताओ ना कि मैं शादी में क्या पहनूं जिससे मैं एकदम स्मार्ट लगूंगा। विशु, तू ना कुछ मत पहन, बहुत स्मार्ट लगेगा। ओके, डन। दीदी, मैं ब्लू वाला चनिया चली पहनूं या रेड वाला? शीतल, मैं बताता हूँ, तो पहले जाके मेरे लिए चाय लेके आ। मैं? तो मैं लेकर आऊं। हां जी, रुक, तुझे चाय बनाने नहीं आता? सोच लो, रिस्क ले रहे हो। रिस्क लेना तो हमारी पुरानी आदत है, जा। ओके, मेरे भी लेके। ठीक है। विशु, तू जाके देख कि उसे चाय बनाना आता है या नहीं। यस बॉस। अंजलि, क्या बचपन है? क्या बचपन है, क्या हुआ? मैंने सब कुछ सुन लिया है। अरे, तुम उस आदमी के साथ जाके शादी करने वाली हो जिससे तुम प्यार नहीं करती? अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ शादी से। तो अपना हाथ मेरे सर पे रखे कि तू शादी से खुश है, कि तू अमित से प्यार नहीं करती? अमित अंकल से? हाँ, अमित अंकल से। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर तू अमित के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती? दद्दू कभी नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? अरे अमित सेटल नहीं है, घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है उसका। अरे आज सेटल नहीं है ना, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी तो वो सेटल होगा। हम रुक सकते हैं। आई डोंट थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम टू वेट। दद्दू को प्रॉब्लम नहीं होगा। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? शीतल नहीं रुक सकती। हाँ, उसे 2 महीने बाद हॉस्टल जाना है। हाँ। अरे ये हॉस्टल का कौन सा नया नाटक है यार? उसे हॉस्टल जाना, उसे जाने दो। कभी तो छुट्टियां मिलेंगी उसे। जिंदगी भर वहां नहीं रहने वाली ना वो। और अगर जिंदगी भर वहां रहने वाली है तो हम उसे ऐसे हॉस्टल में भेजेंगे ही नहीं। वो हॉस्टल कहीं नहीं जा रही है, बहुत दूर जा रही है हमसे, बहुत 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 दूर, पापा के पास। क्या? एक गुड न्यूज है, शीतल को चाय बनानी आती है। शीतल को ब्रेन ट्यूमर है।
लास्ट स्टेज। एक दो महीनों की मेहमान है वो अब। लड्डू चाय मैंने बनाई है। अच्छा एक मिनट, आपने दवाई ली? दवाई बेटे वो मतलब नहीं दद्दू, जितने दिन हूं उतने दिन मैं ही आपका ध्यान रखने वाली हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? तेरी तो हर शर्त मंजूर है बेटे। पहले शर्त सुन लीजिए वरना फिर आप पास जाओगे। दद्दू जब मेरे जाने का वक्त आएगा तो आप रोना नहीं। सब लोग दुखी होंगे, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं ना। अगर आप भी उनके साथ रोने लगे तो बाकी को चुप कौन कराएगा? दद्दू प्लीज मत रोइए, मैंने बहुत रुला लिया आपको, आप रोते देखना नहीं चाहते। प्रॉमिस कीजिए कि आप नहीं रोओगे। प्रॉमिस कीजिए ना दद्दू। दैट्स लाइक माय दद्दू। नहीं चलना चाहिए कि हमें पता चल चुका। बच्चा कंट्रोल योरसेल्फ, इस वक्त रोने से ज्यादा जरूरी है शीतल के बचे हुए दिनों में सारी खुशियां भर देना। इतनी छोटी इतनी मासूम होकर भी हमें खुश रखना चाहती है तो क्या हम अपने दिलों पर पत्थर? कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। हमें उसके दुख कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। अंजलि आज के बाद कोई नहीं रोएगा, भगवान कर तो आज के बाद कोई नहीं रोएगा। अरे चाय ठंडी हो रही है, चाय नहीं पीनी क्या? और विशु तुझे बैक हॉल में रखने के लिए किसने कहा था? शीतल वो मैंने सोचा कि जब मेरे पास एक नौकरानी है तो ये फालतू के काम मैं क्यों करूं। कौन नौकरानी? तू और कौन? मैं विशु नहीं पकड़ सकती। नहीं कभी नहीं पकड़ सकती। तू रुक, तू मुझे नहीं पकड़ सकती। मैं तुझे नहीं पकड़ सकती। नहीं पकड़ सकती कहा? मैं बोल रही हूँ बहन तू है ना, मेरी बहन नहीं। अरे अरे तू मुझे नहीं पकड़ सकती। यस यस आई एम द चैंप। शीतल 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 तुझे क्या हुआ? शीतल I'm sorry। शीतल मैं तुझे कभी नौकरानी नहीं कहूंगा। शीतल उतर। शीतल शीतल तू ठीक तो है? और क्या, तू क्या समझा मुझे कुछ हो गया? अरे तेरी तो मैं जिंदगी भर पिटाई करूंगी। प्रॉमिस तुम्हें जिंदगी भर पिटाई करेगी? हाँ पापा प्रॉमिस, जब तक जिंदा हो तब तक तेरी पिटाई करूंगी। आ जा सवाल। क्या बात है भैया? अरे तू चल तो सही, हमें पता चल जाएगा। इधर टिंग टंग टंग ये देख। वाओ हे, तूने कहा था ना कि हॉस्टल जाने से पहले तो सबके बर्थडे मना के जाएगी। ये देखो हमारी तैयारियां। लेकिन मेरी लिस्ट के हिसाब से विशु का बर्थडे तो परसों है ना? तेरी लिस्ट गलत है क्योंकि उसमें हम सबके बर्थडे की तारीख तो फिक्स है लेकिन तुम्हारी तो है ही नहीं। यस
इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम तेरा बर्थडे मनाएंगे। लेकिन दीदी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब नखरे करना बंद कर दो बर्थडे गर्ल। ओके बाबा ओके, लेकिन दादू को तो बुलाओ। मैं बुलाती हूँ, तब तक आप ये ब्यूटीफुल ड्रेस पहन लीजिए। ओके ओके। कैसे लगे हमारे प्रिपरेशंस? फंटास्टिक। मैं तो समझती रही कि सरप्राइज देना सिर्फ मुझे ही आता है। भैया, ये शीतल का आखिरी बर्थडे, क्या हम उसे कोई गिफ्ट नहीं देंगे? दद्दू, हम लोग शीतल का बर्थडे मना रहे हैं, आप भी चलिए ना। नहीं, मैंने शीतल से वादा किया है कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं वादा तोड़ना नहीं चाहता। तुम जाओ। So, how am I looking? Wow, someone's looking very pretty. चलो केक काटते, केक काटते। एक मिनट, दीदी और दद्दू? अरे आ जाएंगे। आ गए दीदी। दीदी दद्दू कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं, वो बाद में ज्वाइन करेंगे। हम उनका वेट करते हैं फिर। बेटा, वो आ जाएंगे, तू कैंडल तो ब्लो कर, चल। चलो, come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sheetal. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless with you. Happy birthday to you. Vishu? क्या हुआ विशु? शीतल, शीतल तू हम सबको छोड़ के मत जाना, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। शीतल, मैं पापा से कह दूंगा कि अगर उन्हें किसी को बुलाना ही है तो मुझे बुला ले। इसका मतलब आप सबको पता चल गया?